everyone. Good morning, Standard 2. Today we will learn about the poem 3rd, I Am Lucky. Unit 2. Listen and recite this poem. Unit 2, जो chapter 3rd है, वो एक poem है. I am lucky. मैं बहुत ही lucky हूँ. मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ या नसीब वाली हूँ ऐसा. First stanza देखते हैं. If I were a butterfly, I would be a thankful. First दो लाइन में कहा है. देखो ये छोटी सी एक बच्ची है और वो कहती है अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मेरे पास विंग होते, यदि मैं मैना होती तो मैं कुछ गा सकती. वो ऐसी ऐसी इमेजिनेशन है वो कर रही है. फर्स्ट है इफ आई वेर बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माय विंग्स. फर्स्ट स्टांजा में कहा यदि मैं बटरफ्लाई होती तो अच्छा होता क्योंकि उसके पास बहुत ही कलरफुल विंग्स है. विंग्स यानी कि पंख है. इफ़ आई वेर अ माइना इन ट्री आई वुड बी अ थैंकफुल डेट आई कुड सिंग. यदि मैं मैना होती, माइना यानी कि मैना, आई वुड बी अ थैंकफुल डेट आई कुड सिंग. मैं गा सकती यानी कि यदि मैं मैना होती तो मैं पेड़ पर बैठकर गा सकती. इफ़ आई वेर अ फिश इन द सी आई वुड बी अ थैंकफुल डेट आई कैन व्रिगल एंड गिगल विथ ग्ली. यदि मैं मछली होती तो पानी में रहती और मैं मछली के पास हमें पता है कि जो झुर्रियाँ होती है साइड में वो होती है उसका व्रिगल यानी कि जुरिया. उसके लिए मैं बहुत ही ग्ली यानी कि उत्साह. ग्ली का मीनिंग होता है उत्साह. मैं उसके लिए थैंकफुल होती. यदि मैं मछली होती तो मैं पानी में रहती और मेरे जुरिया होती साइड में. सो आई जस्ट थिंक आई एम अ लकी टू बी मी नो यू बट मी. और वो आगे कहती है कि मैं सिर्फ सोचती हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए. तो फर्स्ट हमने देखा कि वो लड़की कहती है कि इफ़ आई वेर बटरफ्लाई आई वुड बी अ थैंकफुल फॉर माय विंग्स. यदि मैं तितली होती, बटरफ्लाई यानी कि तितली होती, तो उसके पंख कलरफुल विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के, बहुत ही ब्यूटीफुल, उसके लिए थैंकफुल होती. इफ़ आई वेर अ माइना इन ट्री आई वुड बी अ थैंकफुल डेट आई कुड सिंग. यदि मैं मैना होती तो मैं गा सकती पेड़ पर बैठ के. इफ़ आई वेर अ फिश इन द सी आई वुड बी अ थैंकफुल डेट आई कैन व्रिगल एंड गिगल विथ ग्ली. यानी कि यदि मैं मछली होती पानी में तो उसके लिए भी मैं थैंकफुल होती क्योंकि व्रिगल यानी कि जुरिया, उसके मछली के जो साइड में होती है उसे जुरिया कहते हैं, वो होती. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी. और मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत ही नसीब वाली हूँ और लकी मैं सिर्फ अपने लिए हूँ, दूसरों के लिए नहीं. इफ़ आई वेर एन एलिफेंट यदि मैं हाथी होती. अब देखो वो किसके कह रही है आगे. यदि मैं हाथी होती इफ़ आई वेर एन एलिफेंट आई वुड बी अ थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. वो कहती कि मैं उसकी जो ट्रंक है हाथी की तरह, यदि मैं हाथी होती तो मैं हाथी की तरह जो ट्रंक है, जो सूंड है, उसको ऐसे उठा सकती. देखो इस पिक्चर में हाथी कैसे अपनी, ये जो पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं, ये देखो सूंड का पिक्चर है और हाथी अपनी सूंड है वो उठा रहा है. इफ़ आई वेर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. फिर क्या हुआ, यदि मैं कंगारू होती. कंगारू है वो एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, वो हम सबको पता है.
जो केंगारू है वो एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है। और ये बच्ची फिर आगे कहती है कि यदि मैं केंगारू होती तो उसकी तरह हॉप यानी कि जंप करना, उसकी तरह जंप करती और राइट अप टू द मून, और शायद मैं मून तक ऐसे जंप करके पहुंच जाती। पहले कहती है, फिर कहती है, इफ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी अ थैंकफुल फॉर माई 8 arms। देखो वो आगे कहती है कि यदि मैं ऑक्टोपस होती, ये देखो ऑक्टोपस का पिक्चर है ये जो ग्रीन है, तो इट हैज़ 8 arms, उसके 8 हाथ होते हैं जनरली। तो वो कहती है कि मेरे पास भी ऐसे 8 है, वो ऑक्टोपस की तरह मेरे पास 8 हाथ है वो होते। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू और जस्ट यू? फिर वो आगे कहती है, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। और वो कहती है कि मैं सिर्फ मेरे लिए ही लकी हूँ, किसी और के लिए नहीं। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी अ लिटल मी और जस्ट यू? जस्ट यू। फिर इस लास्ट 3 लाइन का मीनिंग है, वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें क्या बनना चाहिए? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी? क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, यानी कि क्या हम भी किसी और की तरह बनना चाहते हैं? और जस्ट यू, और जस्ट यू, यार सिर्फ तुम जैसे हो वैसे ही तुम रहना चाहते हो, जैसे हो तुम वैसे ही रहना चाहते हो, किसी और की तरह बनना नहीं चाहते। व्हाट डू यू थिंक? और क्या तुम सिर्फ तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो? तो ये यहाँ इस पोयम का जो समरी है, एक्सप्लेनेशन है, वो कंप्लीट होता है। हमने देखा कि ये जो बच्ची है वो पहले कहती है कि यदि मैं तितली होती तो मेरे पास सुंदर पंख होते, यदि मैं मैना होती तो मैं सुंदर गीत गा सकती, यदि मैं मछली होती तो पानी में रहती और उसी की तरह मेरे पास भी सुंदर जुरिया होती। फिर कहती है कि मैं यदि हाथी होती तो मैं उसी की तरह अपनी जो ट्रंक है वो यानी कि सूंड ऐसे उठा सकती, यदि मैं केंगारू होती तो मैं भी ऐसे जंप कर सकती, यदि मैं ऑक्टोपस होती तो मेरे पास है वो मेरे 8 हाथ है वो होते। और लास्ट में कहा है कि सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी? और वो आगे पूछती है हमें, क्या तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो या नहीं, और तुम जैसे है वैसे ही रहना चाहते हो? तो ऑब्वियसली हम जो जैसे है वैसे ही अच्छे हैं। तो यहाँ ये पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आगे न्यू वर्ड्स, बटरफ्लाई यानी कि तितली, मैना यानी कि मैना, फिश यानी कि मछली, केंगारू वो एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है केंगारू, और ऑक्टोपस है वो एक सी एनिमल है यानी कि ओशन में रहता है। फिर से एक बार न्यू वर्ड्स, बटरफ्लाई यानी कि तितली, मैना यानी कि मैना, फिश यानी कि मछली, केंगारू यानी कि ऑस्ट्रेलियन एनिमल, और ऑक्टोपस वो भी एक सी एनिमल है, जैसे उसके हमने देखा पोयम में उसके 8 हाथ होते हैं। ये ग्रीन कलर का जो पिक्चर है वो ऑक्टोपस है, इसको ऑक्टोपस कहते हैं। तो यहाँ ये पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है, एज वेल एज हमने इस पोयम के जो हार्ड वर्ड्स थे उसको भी देखा कि उसके बारे में क्या है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में है जो आगे की जो हमारी एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे, और उसकी जो उसकी नए क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पोयम है वो बहुत ही इजी है, और
अच्छी है। आप सबको भी पोयम है, रीड करना, आपको याद रह जाएगी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।